आप सब अब जी न्यूज़ पे आने वाले हो। अच्छा, ठीक है, ये जी न्यूज़ का सीधा प्रसारण चल रहा है। अच्छा, ठीक है, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सबका स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वक्त मैं हूँ उज्जैन में तो अपने फ्रेंड दीपक के साथ, जिसको आपने ओमकारेश्वर वाले व्लॉग में देखा था। इंदौर से उज्जैन का जो डिस्टेंस है वो है 55 किलोमीटर और हम एक घंटे में यहाँ पहुँच गए थे। और अच्छी बात यह है कि ओमकारेश्वर से यहाँ पे गर्मी कम है। वैसे जब मैं इंदौर आया था तो इंदौर में मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने ओमकारेश्वर की गर्मी देखी तो इंदौर की गर्मी मुझे नॉर्मल लगने लगी। तो यहाँ पर भी ठीक ठाक गर्मी है। तो शाम के 4 बजने के बाद ही हमने प्लान रखा था कि हम निकलेंगे बाहर। आज भी हम सुबह सुबह यहाँ पर आ गए थे, होटल में गए और उसके बाद 4 बज गए तो बाहर निकले। और ये है सामने शिप्रा नदी और ये है राम घाट। तो इस व्लॉग में मैं आपको उज्जैन दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस घूमने के लिए, और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे खाने पीने के लिए आप कहाँ जा सकते हो। तो अपनी जर्नी की शुरुआत मैं कर रहा हूँ राम घाट से। तो चलते हैं आगे, मैं सौरभ कैमरामैन दीपक हंगार के साथ कल तक। कल तक इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे कल तक हैं। तो राम घाट के पास भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं। ये जो आपको टेम्पल दिख रहा है, श्री काशी विश्वनाथ महादेव, रामेश्वर महादेव, ऐसे वैसे करके तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। लेकिन फिलहाल मैं जा रहा हूँ हरसिद्धि मंदिर, वो दुर्गा माता के 52 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक मंदिर है वो। तो फिलहाल इसके यहाँ के बाद मैं वहाँ जा रहा हूँ। सामने हरसिद्धि माता का मंदिर, और ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली इसमें दिए रखे हैं, इन सब पे दिए रखे हैं और इनमें अभी सब वो रेडी कर रहे हैं। अभी शाम को होते ही इस पूरे में वो दिए जलाएंगे। तो सोचो कितना ब्यूटीफुल लगेगा ये जब सारे में पूरे में दिए जल जाएंगे। तो हरसिद्धि माता के दर्शन के बाद अब मैं आ गया हूँ मालीपुरा में आलू भरे ट्राई करने। ये वो जगह है मालीपुरा में, बहुत फेमस है, आपको कोई भी बता देगा। यहाँ पे समोसे और आलू भरे बहुत अच्छे मिलते हैं। दीपक पहले से ही लेके खड़ा है, आलू भरा खा भी लिया है, इसने टेस्ट भी कर लिया, खा भी लिया। कैसा है? अच्छा, बहुत शानदार। और यहाँ हाथ से चम्मच नहीं मिलते, यहाँ पे चम्मच नहीं मिलते, हाथ से ही खाना। यहाँ पे स्पून नहीं मिलेगा, हाथ से ही खाना है। ऐसा क्यों भैया? यहाँ पे स्पून नहीं देते आप? हाँ, हाथ से खाने का है, हाथ से ही खाने का है। एक बार ये आलू भरे मैं भी ट्राई करता हूँ। बढ़िया। ये जो आप शॉप देख रहे हो ये 1945 से है यहाँ पे, और देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से इन्होंने दुकान खोल ली थी। आइए यहाँ पे ट्राई करते हैं फेमस कुल्फ़ी और बताते हैं आपको यहाँ पे कुल्फ़ी कैसी है। ये देखो भैया, रबड़ी कुल्फी, ये यहाँ पे रबड़ी कुल्फी और इसमें केसर कुल्फी। रबड़ी कुल्फी कौन सी वाली है? रबड़ी कुल्फी ये है, रबड़ी कुल्फी ये वाली है और ये केसर वाली कुल्फी है। और कौन कौन सी कुल्फियाँ मिलती हैं आपके पास बता दो। ये तो सीताफल है, रबड़ी है, केसर है, सब तरह के मैंगो भी है। मैंगो कुल्फी, मैंगो कुल्फी नहीं है। ओके, सीता कुल्फी आपके पास, सीताफल कुल्फी और केसर और रबड़ी, तीन तरह की कुल्फी आपके पास। और इसके अलावा लस्सी मिलती है आपके पास और श्रीखंड। ओके, आप क्या सजेस्ट करते हो कि कौन सी कुल्फी ट्राई करनी चाहिए मुझे? केसर, केसर, केसर कुल्फी ट्राई करनी चाहिए। और दीपक, एनी चॉइस? केसर कुल्फी और क्या नाम है, रबड़ी कुल्फी? केसर, केसर कुल्फी भाई बोल रहे हैं तो वी आर गोइंग टू ट्राई केसर कुल्फी है। तो भैया केसर कुल्फी दो दे दो हमें। दो केसर देना का केसर देना। अभी गर्मी लग रही थी, थोड़ा कुल्फी खा के ठंडे हो जाते हैं, फिर बताते हैं आपको कुल्फी यहाँ की कैसी है। और जब भी उज्जैन आए आप महाकाल के दर्शन के साथ साथ कुल्फी भी खाएं और मज़ा लें। भाई कसम से यार तुम्हारी कुल्फी है ज़ोरदार। तो शाम हो चुकी है और अभी रात के 8:30 हो रहे होंगे। तो आइसक्रीम खाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूम रहे थे और एक लंबा सा चक्कर लगा के उज्जैन सिटी का अभी हम आ रहे हैं। उज्जैन एक प्रॉपर सिटी है, इंदौर से छोटी सिटी है लेकिन अच्छी सिटी है। और फिलहाल जय महाकाल। अरे कोई बात नहीं, जय श्री महाकाल। और अभी हम निकले हैं डिनर विनर करने, महाकाल टेम्पल के पास में ही हमारा होटल भी है। मिलते हैं आपसे कल सुबह। ये फेमस भांग है। और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़, ये देखो श्री महाकालेश्वर भांग।
जय श्री महाकाल। तो हमने महाकाल के दर्शन कर लिए हैं सुबह सुबह ही आके, और ये सामने महाकालेश्वर टेम्पल है। कर लिए हैं सुबह सुबह ही, और बेस्ट टाइम जो है दर्शन का वो सुबह सुबह ही है। सुबह में ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, और अगर आप 10 बजे के बाद आ रहे हो, 9 बजे के बाद आ रहे हो, तो बहुत क्राउड होता है। लेकिन उसका एक हैक है कि एक तो नॉर्मल एंट्री होती है जो कि फ्री एंट्री होती है, और आप अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा क्राउड है और आप क्राउड से बचना चाहते हो, तो यहाँ पे एक 250 की टिकट आती है, वो आप लो और सीधा अंदर चले जाओ टेम्पल में। तो महाकाल के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए भोला गुरु एंड संस, और यहाँ हम ट्राई करने वाले हैं पूरी सब्जी। और तो दीपक बाबू एकदम तैयार हैं पूरी सब्जी के लिए। तो ये रही पूरी, ये रायता, ये आलू की सब्जी है, इसमें आलू की सब्जी, और ये पत्ता गोभी और टमाटर, ये जो है ये बेसन और मिर्च की चटनी चटनी। भैया का ये दावा है कि ये सारी चीज़ें जो है देसी घी में बनती है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑयल यूज़ नहीं करते हैं ये। तो चलिए टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पे पूरी सब्ज़ी कैसी है। तो पूरी सब्ज़ी हमने खा ली है और बढ़िया थी, और ये सराफा बाज़ार में आप किसी से पूछोगे आपको कोई भी बता देगा। पूरी सही थी, सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी चबाने में, रायता मीठी थी, और सब्ज़ी ओके ओके लगी मुझे, मतलब अच्छी है। अब हम जा रहे हैं दयाराम रबड़ी वाले के यहाँ पे, वहाँ पे सुना हमने रबड़ी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे अभी हम रबड़ी ट्राई करेंगे। और ये कौन सा मंदिर है भाई? वो ये कौन सा मंदिर है? गोपाल मंदिर। और अभी हम जहाँ पे रबड़ी खाने जा रहे हैं, ये है मोदी गली में, ये जो आपको गली दिख रही है ये मोदी गली है, और आखिर में वो वाली शॉप है। अभी जस्ट ये तैयारी हुई है, एकदम गर्म है ये रबड़ी, जब जस्ट इन्होंने निकाला ही है, सुबह सुबह का टाइम है, तो एकदम फ्रेश रबड़ी है ये, देखो। तो रबड़ी खा के मज़ा आ गया, एक नंबर रबड़ी थी, एकदम जानलेवा। तो अब हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर, और महाकाल के दर्शन के बाद आपको इनका दर्शन करना अनिवार्य है, और ये 6000 साल पुराना मंदिर है। और भैया जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम काल भैरव के दर्शन करके वापस आ चुके हैं, और ये जो टेंपल है ये 5 किलोमीटर वहाँ से दूर है, थोड़ा महाकालेश्वर टेंपल से 5 किलोमीटर थोड़ा सा आगे ये टेंपल। और हाँ मीडिया मीडिया जी न्यूज़ जी न्यूज जी न्यूज़ यस जी न्यूज एमपी नहीं नहीं दिल्ली दिल्ली टॉप में चल रही है। हाँ टॉप में चल रही है ये अभी तो टॉप में चल रही है जी न्यूज़ टॉप में चल रही है 86% जी 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 मुझे भी शौक है देखने का जी न्यूज़। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जैन जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर की तरह ही, और बेस्ट टाइम में विजिट करने का अक्टूबर टू मार्च, वरना अभी आओगे तभी तो गर्मी होगी। चलो आपने गाना बड़ा अच्छा गाया, वो तो जो बात थी सामने। तो उज्जैन में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, अगर आप सारे टेम्पल्स देखना चाहोगे तो कम से कम 2-3 दिन का टाइम लेके आना। उज्जैन में बहुत सारे टेम्पल्स, उज्जैन को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है, और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारे महाकाल के भक्त हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, जय श्री महाकाल। आप सब अब जी न्यूज़ पे आने वाले हो, ठीक है, ये जी न्यूज़ का सीधा प्रसारण चल रहा है, ठीक है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी न्यूज़ में दिखाएंगे हमारा, हाँ एकदम, ये सब कितनी बजे? ये रात के 9 बजे आ जाएगा आज पक्का, सीधा प्रसारण, सीधा प्रसारण 9 बजे। हम देखने से आ रहा हूँ, हम टीवी चालू कर, अरे कोई बात नहीं, अच्छे लग रहा है, हम है कि नहीं है, हाँ देखना आप 9 बजे आज, ठीक है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल भाई लोग, जय श्री माई, जय शिप्रा मैया की, जय शिप्रा मैया। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई हमें भी भैया। और महाकालेश्वर मंदिर के टाइमिंग्स में आपको बता देता हूँ कि सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक के दर्शन होता है, एक आरती सुबह होती है 7 से 7:30 के बीच में, एक इवनिंग आरती होती है 5 से 5:30 तक, एक भस्मा आरती भी होती है वो सुबह 4 से 6 के बीच में होती है, वो भस्मा आरती होती है वो सिर्फ उज्जैन में ही होती है, और इसी महाकालेश्वर टेम्पल में ही वो आरती होती है। उसके अलावा शाम को 7 से 7:30 के बीच में एक आरती होती है, और एक आरती और होती है शायद वो आरती रात को होती है जो, हाँ वो एक आरती रात में होती है जो कल डिनर के टाइम पे हमने देखा था। तो उज्जैन घूम के मैं वापस इंदौर आ चुका हूँ, तो कुछ चीज़ें रह गई थी बतानी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उज्जैन में जो उज्जैन में जब आप अंदर जाते हो टेंपल में दर्शन के लिए, तो अगर आपको टेंपल के अंदर जाना है, शिवलिंग के पास जाना है, वहाँ पूजा करनी है,
तो वहाँ पे जाने के लिए आपको वहाँ पे लगेगी 1500 की टिकट, तो वो लेके आप तब अंदर जा सकते हो। अगर वैसे अगर आप सिर्फ नॉर्मल एंट्री या वो 250 रुपये वाली टिकट लेके आप जा रहे हो तो आप दूर से ही दर्शन कर सकते हो, बस प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं चला सकते, वहाँ पे अलाउड ही नहीं है प्रसाद वसाद चलाना। और उज्जैन जो है बहुत ही वेल कनेक्टेड भी है। और हाँ, भस्म आरती की अगर आप देखना चाहते हो तो गेट नंबर 4 है वहाँ पे आप पता कर लेना, वहीं से आपको परमिशन मिलेगी कि अंदर वो जाने देते हैं कि नहीं जाते देते हैं भस्म आरती के लिए। नॉर्मली लोग जाते हैं लेकिन वहाँ पे ही आप परमिशन ले सकते हो। मैं तो नहीं जा पाया, महाकाल के दर्शन किए, बढ़िया से खाया पिया, अच्छे से घूमा। एंड आई होप कि आपको भी ये वाली ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग ऑलवेज।